38 इंटू 60 का ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। घर का लंबाई है 60 फीट और इसका चौड़ाई है 38 फीट। और ये है घर का फ्रंट साइड, यानी ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ये एक उत्तरमुखी घर का नक्शा है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये बाएं तरफ, ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये राइट साइड वेस्ट डायरेक्शन, और ये पीछे ये है साउथ डायरेक्शन। ये एक नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान 38 इंटू 60। घर के सामने यहाँ पर है पोर्टिको कम पार्किंग, और ये पोर्टिको कम पार्किंग का डायमेंशन है 13 फीट 4 इंच इंटू 12 फीट। इसका चौड़ाई है 13 फीट 4 इंच और इसका लंबाई ये है 12 फीट। यहाँ पर दो स्टेप है, दो स्टेप चढ़ने के बाद ये है बारंडा घर के सामने। 11 फीट 8 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का ये बारंडा है, और ये बाएं तरफ एक डोर है। यहाँ पर है ड्राइंग रूम, और ये ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 11 फीट इंटू 13 फीट। इसका चौड़ाई है 11 फीट और इसका लंबाई है 13 फीट। ये ड्राइंग रूम में आने के लिए यहाँ पर एक अंदर से भी एक डोर है, और ये है घर का मेन एंट्री डोर, और सामने दो खिड़कियाँ हैं वेंटिलेशन के लिए। ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन के लिए भी दो खिड़कियाँ, ये सामने और ये बाएं तरफ एक है। राइट साइड में यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3। ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। ये राइट साइड में बेडरूम नंबर 3, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 13 फीट। हॉरिजॉन्टली है 12 फीट और ये वर्टिकली ये है 13 फीट। इसका डोर यहाँ पर है, और ये बेडरूम नंबर 3 के पीछे यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट। 9 फीट इंटू 4 फीट 6 इंच का एक कॉमन टॉयलेट है। और ये ड्राइंग रूम के पीछे यहाँ पर है पूजा घर, और ये पूजा घर का डायमेंशन 11 फीट लंबाई और ये 4 फीट 6 इंच चौड़ाई का ये है पूजा घर। 11 फीट इंटू 4 फीट 6 इंच। बीच में एक बड़ा सा हॉल है, लिविंग हॉल। 11 फीट 8 इंच है इसका चौड़ाई, और इसका लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 23 फीट। ये लिविंग हॉल का डायमेंशन है 11 फीट 8 इंच इंटू 23 फीट। और ये लिविंग रूम में देखिए यहाँ पर है स्टेयर केस ऊपर जाने के लिए। ये 7 फीट वाइड का स्टेयर केस है। ये स्टेयर केस का वाइड 7 फीट है, इनसाइड स्टेयर केस। और ये बाएं तरफ यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2, और ये बेडरूम नंबर 2 का डायमेंशन है 11 फीट इंटू 12 फीट 4 इंच। 11 फीट है ये हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकल लेंथ ये है 12 फीट 4 इंच। वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ एक खिड़की है, और ये लिविंग रूम के पीछे यहाँ पर है डाइनिंग, और ये डाइनिंग का डायमेंशन देखिए 11 फीट 8 इंच इंटू 8 फीट 6 इंच। हॉरिजॉन्टली है 11 फीट 8 इंच, और ये वर्टिकली 8 फीट 6 इंच। डाइनिंग के पीछे ये वॉशिंग एरिया 11 फीट 8 इंच इंटू 4 फीट 8 इंच का ये वॉशिंग के लिए है। और ये बाएं तरफ देखिए डाइनिंग के बाएं तरफ है किचन, और ये बड़ा सा किचन है। किचन का डायमेंशन है 11 फीट इंटू 12 फीट, यानी ये हॉरिजॉन्टल है 11 फीट और ये वर्टिकल है 14 फीट, 11 इंटू 14। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर है खिड़की, और ये है किचन का स्लाब। और राइट साइड में यहाँ पर है मास्टर बेडरूम, और ये मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 12 फीट इंटू 14 फीट। 12 फीट इंटू 14 फीट, हॉरिजॉन्टल है 12 फीट, वर्टिकली है 14 फीट। और इसमें दो खिड़कियाँ हैं, राइट साइड में एक खिड़की और पीछे तरफ एक खिड़की है। ये है उसका अटैच टॉयलेट, 8 फीट 1 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच का ये अटैच टॉयलेट। ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच का,
और ये पार्टीशन वाल, ये पतला वाला वाल, ये है 5 इंच का। आप चाहें तो ये ड्राइंग रूम को भी आप एक बेडरूम बना के इसको आप एक 4 BHK हाउस प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। प्लिंथ एरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर 1824 स्क्वायर फीट। और इसका पोर्टिको, ये जो सामने पोर्टिको है, ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया है 160 स्क्वायर फीट। और अगर टोटल देखते हैं, टोटल है 1984 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।